दोस्तों आईपीएल 2022 में आज मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर के बीच 56वां मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हराकर पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त छलांग लगा लिया। तो वहीं मुंबई इंडियंस को काफी बड़ा नुकसान हुआ और ये टीम प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो ऐसे में पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कितने नंबर पर है, किस टीम को कितने मैच और यहां से जीतने होंगे प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, वहीं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होल्डर कौन कौन से दो प्लेयर हैं, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी 10वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस पिछले कई हफ्तों से 10वें नंबर पर ही बनी हुई है, जहां अब तक इस टीम ने 11 मैच खेले और इन 11 मैचों में से 2 मैच में जीत मिली है जबकि 9 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वो इस टीम के पास टोटल 4 पॉइंट है, नेट रन रेट इस टीम का माइनस में और काफी ज्यादा खराब है। इस टीम के पास 3 मैच और बचे हुए हैं, आने वाले 3 मैच अगर ये टीम जीतती भी है तो भी ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और मुंबई इंडियंस ऑफिशियली प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। इस टेबल में 9वें नंबर पर खिसक चुकी है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2022 में अब तक 11 मैच खेली है और इन 11 मैचों में से 4 मैच में जीती है जबकि 7 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वो इस टीम के पास टोटल 8 पॉइंट है लेकिन नेट रन रेट इस टीम का प्लस में हो चुका है, प्लस 0.028 इस टीम का नेट रन रेट है। इस टीम के पास 3 मैच और खेलने बाकी हैं, आने वाले 3 मैच लगातार ये टीम जीतती भी है तो भी ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के चांसेस काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। वैसे इस टीम को अब दूसरे टीमों पर डिपेंड रहना होगा। वहीं पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स आईपीएल 2022 में अब तक 11 मैच खेली है और इन 11 मैचों में से 5 मैच में जीती है जबकि 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वो इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है लेकिन नेट रन रेट इस टीम का माइनस में, -0.231 इस टीम का नेट रन रेट है। अभी आने वाले 3 मैच में अगर ये टीम तीनों मैच लगातार जीतती है, अपना नेट रन रेट और बेहतरीन करती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वही पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच चुकी आज का मैच जीतने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2022 में अब तक 12 मैच खेली है और इन 12 मैचों में से 5 मैच जीत चुके हैं जबकि 7 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वो इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है, नेट रन रेट इस टीम का माइनस में, -0.057 इस टीम का नेट रन रेट। टीम के पास 2 मैच और बाकी है, आने वाले 2 मैच अगर टीम लगातार जीतती है तो भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के कम चांसेस और इस टीम को भी दूसरे टीमों पर डिपेंड रहना होगा। इस टेबल में 6 नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2022 में अब तक 11 मैच खेली है और इन 11 मैचों में से 5 मैच में जीती है जबकि 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा। वो इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है, इस टीम का जो नेट रन रेट है -0.031 है। अभी बाकी बचे 3 मैचों में से इस टीम को 3 के 3 मैच जीतने होंगे तब ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर जो टीम है वो है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2022 में अब तक 11 मैच खेली है और इन 11 मैचों में से 5 मैच में जीती है जबकि 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वो इस टीम के पास भी 10 पॉइंट है लेकिन नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद से काफी ज्यादा बेहतर है, +0.150 इस टीम का नेट रन रेट है। अब इस टीम को 3 मैच और खेलने, आने वाले 3 मैच अगर टीम लगातार जीतती है तो ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। वही पॉइंट टेबल में 14 नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2022 में अब तक 12 मैच खेल चुकी है और इन 12 मैचों में से 7 मैच में जीती है जबकि 5 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वही इस टीम के पास टोटल 14 पॉइंट है, नेट रन रेट इस टीम का माइनस में, -0.115 इस टीम का नेट रन रेट है। अभी आने वाले 2 मैचों में से 1 मैच और इस टीम को जीतना और अपना नेट रन रेट थोड़ा सा बेहतरीन करना तब ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई
क्वालिफाई कर सकती है। वहीं पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2022 में अब तक 11 मैच खेली है और इन 11 मैचों में से 7 मैच जीत चुकी है, जबकि 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस टीम के पास भी 14 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से काफी ज्यादा बेहतर है, +0.326 इस टीम का नेट रन रेट है। अब इस टीम के पास 3 मैच और खेलने हैं, आने वाले 3 मैचों में से 1 मैच और इस टीम को जीतना है और ये टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। और वहीं पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 में अब तक 11 मैच खेली है और इन 11 मैचों में से 8 मैच जीत चुकी है, जबकि 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वो इस टीम के पास टोटल 16 पॉइंट है, नेट रन रेट की बात करें तो +0.120 इस टीम का नेट रन रेट है। अभी आने वाले 3 मैचों में से 1 मैच अगर टीम जीती है तो भी ये टीम ऑफिशियली प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। वैसे 16 पॉइंट के साथ प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लिया। वहीं पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2022 में अब तक 11 मैच खेली है और 11 मैचों में से 8 मैच जीत चुकी है, जबकि 3 मैच में इस टीम को बिहार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस टीम के पास टोटल 16 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट गुजरात टाइटंस से काफी ज्यादा बेहतरीन है, +0.703 इस टीम का नेट रन रेट है और यह टीम 16 पॉइंट के साथ प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। अब आने वाले 3 मैचों में से 1-2 मैच अगर ये जीतती है तो 18-20 पॉइंट के साथ पहले या दूसरे नंबर पर फिनिश कर सकती है। तो दोस्तों ये रहा आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल जो कि 56वें मैच के बाद का है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, लखनऊ सुपर जायंट, गुजरात टाइटन, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल में से कौन सी वो 4 टीमें रहेंगी जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेंगी, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अब बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की। तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कई बड़े बड़े सितारे आ चुके हैं। अगर हम ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप की रेस में अभी भी जॉस बटर ही सबसे आगे चल रहे हैं जो कि 618 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें पर्पल कैप की तो पर्पल कैप की रेस में 2 स्पिनर आ चुके हैं जो कि 1 रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का खिलाड़ी तो ही दूसरा राजस्थान रॉयल्स का खिलाड़ी। अगर जिस खिलाड़ी के पास पर्पल कैप है वो है युजेंद्र चहल जो अब तक 22 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 21 विकेट लेने वाले वेनेंदु हजरंगा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।